तो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोटोशॉप में हाफ टोन इफेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये ट्यूटोरियल बहुत आसान होने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं मेरे फोटोशॉप पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम हमारे फोटोशॉप में, तो मैंने यहाँ पर अपना कैरेक्टर ले लिया है और पीछे एक बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने पीछे ये पहले से सेट कर रखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अपना ट्यूटोरियल में अपना बताऊंगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट लेयर ऐड करना है। ठीक है, तो एक काम हो गया। इसके बाद आप लोगों को ऐड करना है लेवल्स, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट चेंज करना हम होगा हम लोगों को। तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल्स। एक और बार देख लेते हैं। हाँ, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोगों को एक न्यू लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली एक न्यू लेयर ऐड कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर एडिट में जाइए। एडिट में जाकर फिल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आप लोगों को सेट करना होगा 50% ग्रे, और ग्रे करके इसको ओके करना होगा। तो इसके बाद ये जो लेयर है इसको हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सिंपली इस लेयर में जाइए और राइट क्लिक कीजिए। आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो सिंपली ये कर दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद हमें फिल्टर में जाना होगा। फिल्टर में जाकर आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर गैलरी में जाना होगा। ठीक है, तो सिंपली फिल्टर गैलरी में जाइए और आप लोगों को इसमें दो फिल्टर ऐड करना होगा। एक है हाफ टोन पैटर्न और एक है टॉर्न एजेस। में आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक है टॉर्न एजेस। टॉर्न एजेस का सेटिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इमेज बैलेंस 25, स्मूथनेस 11, कॉन्ट्रास्ट 9, और हाफ टोन पैटर्न का साइज आप लोगों को रखना होगा 4 और कॉन्ट्रास्ट रखना होगा 0। तो ये सेटिंग अच्छी तरह से कीजिएगा तो आप लोगों का इमेज परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आधा काम हो गया, तो ओके कर दीजिए सिंपली। तो ठीक है, ये हो गया। तो अब इस लेयर को हमें ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग मोड को हमें करना होगा हार्डनेस। ओके, तो हार्डनेस सिंपली हार्डनेस हो गया। तो इसको थोड़ा और ब्राइट बनाने के लिए हम लोगों को एक और लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप एडजस्टमेंट लेयर में जाइए और यहाँ पर देखिए इन्वर्ट एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्ट कीजिए और देखिए यहाँ पर नीचे एक बटन हो रहा है, तो इसको आप लोगों को क्लिक करना होगा क्योंकि ये इफेक्ट इसके नीचे वाले लेयर में मुझे चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया। तो इस बार आप लोग लेयर ऑप्शन में जाइए। लेयर ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली ये जो लेयर है इसको आप लोगों का थोड़ा ओपेसिटी आप लोगों चाहे तो घटा सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत घटा देता हूँ, मैं इसको 80% कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी रहेगा। और इसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके आप लोगों को जाना होगा फिल्टर में। फिल्टर में जाकर आप लोगों को डिसॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे 12 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 12 में जाइए और आप लोगों को ये एंगल 50% करना होगा और सिंपली करना होगा। तो ये इफेक्ट अप्लाई होने के बाद देखिए आप लोगों का हाफ टोन इफेक्ट एकदम रेडी है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से फोटोशॉप में हाफ टोन इफेक्ट कर सकते हैं। तो यही तो आज का वीडियो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल में नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।